मौलवी साहब चुप करके क्यों चले गए? बोल ला रखी, नमाज पढ़ने गए होंगे या फिर रब से पूछने कि शौकत अली के लिए दुआ करें कि ना करें। मासी, मासी बोल गई। शौकत अली तो बहुत रोया होगा। हो सकता रोया हो, मिलिया नहीं, कटी मर जाने लेट हो गई। हौसला कर पुत्र, हौसला कर। फिक्र ना कर मासी, अल्लाह का दिया बड़ा हौसला मेरे पास। बाकी टाइम कितना? मेयर के पास बहुत था, शौकत अली के पास थोड़ा। ऑर्डर निकले तो बस मुझे पढ़ के सुना देना, मुलाकात ना कराना मेरी घर वालों के साथ। तू क्या दुआ मांगेगी? मैं दुआ मांगूंगी कि तेरी दुआ कबूल हो जाए। सुनिए, रो के दुआ मांगो तो अर्श भी कम जाता है। तेरी कसम हाजरा, इस बारी अर्श कंपेगा तो शौकत अली की मौत टल नहीं। तेरा दिल क्या कहता है? दिल तो अब कहने सुनने जोगा रहा ही नहीं, कोई तसल्ली दे तो तसल्ली हो जाती है, कोई फांसी का बोले तो लगता है कि शौकत अली के गले में फांसी पड़ गई। रब पे यकीन नहीं है तुझे? रब को खबरें मुझ पे यकीन नहीं रहा। कुफर ना बोल, तो तू ही बोल उसे कि मेयर सुरखाब पर मेहरबानियां करने से बाज आ जाए। चाय कैसे पीऊं चाची? यार मेरा कोठी लग गया, मेरे हलक में तो सांस भी नहीं रुकता। पेट जिंदा होना पुत्र तो अन्न पानी डालना ही पड़ता है। इतनी दूर से खेचल करके आए हो, शौकत अली से कोई तो गाढ़ा मेल मिलाप होगा ना तेरा, और फिर चाय पिलाना तो फर्ज है ना मुझ पर। चाची, उसकी मंगेतर कहाँ है? रखी वो पीर हाजर शाह के बाजार पर गई है, उसके लिए दीवा पाल ले।
ओए ना की फांसी रोकना पीर हाजिर शाह के बस की बात नहीं है। जा जाके शाह जी को कोई छोटा मोटा काम बता। छोटा मोटा काम भी पता है? मसलन? मसलन आपका नाम लेकर का है कि अल्लाह आपको हिदायत दे। हाँ तो ना कि फिर कोई जवाब मिला? हाँ, कहते हैं कोई छोटा मोटा काम बता। फिर मैंने कहा अल्लाह से कहो शौकत अली की फांसी टाल दे। वापस मुड़, जा जाके नवा दीवा बाल और पीर साहब से कह के वो रब से कहे कि वो तुझे हदायत दे। अगली बार आना पड़ा तो यही कहूंगी। ओए ना कि ये कुबे परचून फरोश की बेटी है? जी वही जो शौके से ब्याह करना चाहती है। हाँ। ओए ना कि फिर आप ही सोच, तेरी दुआ कैसे कबूल हो सकती है? एक ही वक्त में तीन तीन दिल तोड़े हैं तूने। मैं तो कहता हूँ दुआ ना मांग, बददुआ से बच, समझी? सुनो, मैं तुमसे मिलने आया। जी बोलो। बैठ कर बात करते हैं। मैं शौकत अली की जान बचाने आया। गांव में आकर बचाओ की जान? फांसी चढ़ा तो यहीं दफनाया जाएगा ना, तो जान बचाने का दारू भी यहीं इसी गांव में। फांसी बोलने के बाद भी है कोई रास्ता? है। फिर मौलवी साहब ने क्यों नहीं बताया? मौलवी साहब कौन? मौलवी साहब गांव की मस्जिद के इमाम। बड़ी दौड़ भज की उन्होंने मेरे साथ, पर ये तो बताया नहीं कि शौकत अली को बचाने का अभी भी कोई रास्ता बाकी है। रास्ता है पर मौलवी साहब उस पर नहीं चल सकते। तो कौन चल सकता है? रास्ता बताओ। बस मेरा पुत्र, इससे एक लफ्ज भी ना बोलना। बस चाची, मुझे बात कर लेने दो। बुरी सही पर जो बाकी है वो बस यही बुरी बात है। रखी, तुम मेहर सुरखाब की बात मान लो। वो कहते हैं ना कि मौत और बीमारी में से किसी एक को चुनना हो तो बीमारी चुन लो। मैं तुम्हें इतनी दूर से यही कहने आया हूं, तुम बीमारी चुन लो तो शौकत अली की मौत टल जाएगी। वो बस एक ही रात रहा मेरे पास और मुझे उससे उंस हो गया, लेकिन
उसकी नजर बस तेरे घर के दरवाजे पर लगी थी। सारी रात वो तेरी बातें करता रहा। रखी नहीं कहता तुझे, मेरी रखी कहता है। नादर, उसने बिल्कुल ठीक कहा है। वो तेरे मुंह पे थप्पड़ ना मारती तो और क्या करती। फिर भी वो शौकत अली को मरने नहीं देगी। तुम समझते हो कि उसने थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा है? नहीं, उसने थप्पड़ महर सुरखाब के मुंह पर ही मारा है। जो भी उसे कहेगा कि मेहर सुरखाब की बात मान लो, वो उसके मुंह पर इसी तरह थप्पड़ मारेगी। लेकिन फिर एक दिन यही बात वो अपने आप से कहेगी। सोचो तब वो क्या करेगी, किसके मुंह पर थप्पड़ मारेगी। दिमाग खराब हो गया तेरा? सार के स्वा कर दूंगी मैं ये शक्ल या रूप जो उसके कमीने के चांदी में डंग मारता है। कल सवेरे से पता चल जाएगा कि रखी इस काबिल नहीं रही कि उसके लिए शौकत अली को माफ कर दिया जाए। फिर भी एक बारी मिल ले उसको। सुने हैं वो तेरे लिए मर गया, पर तू उसके लिए नहीं मरी। फांसी चढ़ते हुए बोता तड़फेगा नहीं वो। वापस आके मुंह शक्ल साड़ देना अपनी, फिर नहीं रोकूंगी तुझे। चलो बेटा, तीन टिट्टे लाहौर की दे दे भाई। लो भाई रफीक, तुम्हारा किराया। मेहरबानी जी। वापसी मौलवी साहब? कल शाम को आखिरी ट्रेन से इंशाल्लाह। मैं बार टांगे में आपका इंतजार करूंगा। अच्छा, अल्लाह हाफिज जी। अल्लाह हाफिज। कहाँ जाना तुम्हें, बता दे मुझे। जेल। शौकत अली से मिलने। उसके बाद उससे आगे कहाँ जाना चाहती है तुम, बल्कि कहां पहुंचना चाहती है? गड्डी तो आने। मुझे पता है तू जहां पहुंचना चाहती है ना,
फैकल्टी नहीं जाती। गड्डी बस 2 मिनट में आने वाली है। उस गड्डी को रोको मौलवी साहब, वो गड्डी बहुत दूर ले जाएगी। बस शहर तक की टिकटें हैं हमारे पास, आगे तो हमने जाना ही नहीं है। चलो आधा मिनट सोच लो मौलवी साहब। मेरे सिर पे हाथ रख के कसम खा, जिस दिन शौकत अली को बाजी होगी, दूसरे दिन जहर खा के मर जाएगी। तेरी कसम खा के कहती हूँ, शौकत अली को फांसी होने लगी तो जहर खा के मर जाओगे। सलाम मेहर जी। हाँ वालेकुम सलाम। वो ना कि रखी कहाँ है, उसकी माँ मौलवी साहब? जी वो शहर गए हैं शौकत अली से मुलाकात करने। ना कि छोड़ के कौन आया है? जी मैं। वापस कब आएंगे? आज रात ही जी। ना कि लेने कौन जाएगा? मैं ही जाऊंगा जी। मैं? तू नहीं जाएगा? तो फिर कौन जाएगा मैर जी? आखिरी तांगा तो रात को मेरा ही होता है जी। जो तुझे कहा है तेरे दिमाग में फिट हुआ है या नहीं? हाँ जी फिट हो गया जी। चल फिर और तो। अच्छा जी। चलो फांसी? नहीं, मुलाकात आई है। कौन है? जो भी है इतनी तफसील नहीं बताई जाती, जो भी है उसे मिलो जाकर। इसका मिलना जरूरी है, बस वही रुके।
5 मिनट है इसके पास। ठीक है ना? तो हाँ, घूंघट क्यों किया है तूने? तूने खुद ही तो कहा था, तेरी शक्ल देखूंगा तो जीने का दिल करेगा तेरा। फांसी से पहले तो जीऊंगा, तो फिर जीने थे। रोटी छोटी खाते, भूख लगती है? बड़ी भूख लगती है, टाइम पे रोटी भी मिल जाती है। तेरा पट्टे से आने का इंतजार करना पड़ता है, ना चाची की झाड़ सुननी पड़ती है। मैं जब याद आती हूँ तो क्या करता है? कहता हूं तेरी मेरी बनी भी नहीं और टूट गई रखी है। आंखों के सामने रहती है तू, जब बड़ा दिल दुखता है तो शिकायत भी कर लेता हूं तुमसे। शिकायत कैसे? पिंड में बांदर किला खेल के जुतियां खाता था तो ठीक था, वीर पे तुझसे मांग कर गोली डंडे में हार जीत करता था तो ठीक था। तूने नौकरी पे लगवाया और मैं फांसी लग गया। फांसी की परवाह नहीं है मुझे, पर मैं फांसी लगने तक तुझे अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूं। जी भर के देखना मुझे, सिर से लेकर पैर तक अपनी आंखों में बंद कर ले, चाबी लगा ले, ताले मार दे, फिर जब गले में रस्सी पड़ेगी तो तुझे लगेगा मैं तेरे साथ ही उड़ गई हूं। फुर करके मैर ने फिर रसा तो नहीं रोका? नहीं, अब रास्ता नहीं रोकता। सुना है हवेली के दरवाजे पर बैठकर रास्ता देखता है। किसका? मेरा और किसका? खरारी वाला चाकू तेरे घर ही रह गया था। मेरे पास है, बड़ी तेज धार है उसकी, अपने पास ही रखना, तेरे काम आएगा। सुन, तेरा दिल नहीं करता कि तू रिहा हो जाए? करता है, जिस दिन फांसी हो जाएगी
रहा हो जाऊंगा। और अगर तू सच मुझे रिहा हो जाए, फांसी टाल जाए तेरी, न बस देख मेरी बुरी रफ्तार से चल रही है, दिल भी धड़क रहा है। पर सच पूछे तो फांसी हो चुकी है मुझे, बस उन्होंने रस्सी पे लटकाना है और मैयत तेरे वाले कर देनी है। में भी सोच लिया मैंने। क्या? तो रोज मेरी कब्र पर वीर पे की मिट्टी डाला करेगी, अपने हाथों से मेरी कब्र पे लिपाई करेगी। तेरे बगैर जीऊंगी कैसे? जैसे मैं तेरे बगैर मर जाऊंगा। तेरी मैयत नहीं देख सकती, तेरी कब्र पर लपाइयां कर सकती। तो फिर क्या करेगी तू? अम्मा कहती है शौकत अली फांसी चढ़े तो जहर खा लो। ना, अम्मा की बात ना मानना। नहीं मानोगे? तो फिर वादा कर मेरी कब्र की लपाइयां करेगी। मैं सुरखाब करने नहीं देगा। वो गरारी वाला चाकू है ना तेरे पास, उसकी छाती में परो देना। शौकत अली, दिल की बात करूं तुझसे तो तुझे मरता हुआ नहीं देख सकती। ले, तू देखेगी कहां, तुझे तो बस मेरी लाश मिलेगी। नहीं, जब तू रिहा होगा तुझे मेरी लाश मिलेगी, लेकिन मैं तुझसे वादा नहीं लूंगी कि मेरी कब्र की लपाइयां करना। क्या करेगी तू? मुलाकात का वक्त खत्म हुआ, जाओ बेबी। क्या करेगी तू? रखिए, क्या करेगी तू? चल। क्या करेगी तू? चल। रखिए, रखिए। आए ना मेरे कमरे में आके बैठे। अरे नहीं नहीं, ना कि यहीं खड़े होकर गड्डी का इंतजार करना है मुझे। मैं सब, ऐसा कौन सा खास मेहमान आ गया जिसकी वजह से आपको खुद आना पड़ गया? कितनी देर में आना गड्डी ने? यही को 10-15 मिनट में आ जाएगी। चलो
ना कि लंग जाएंगे 10-15 मिनट भी। की हवेली चलना है या अपनी माँ के घर? अपनी माँ के घर। दरवाजा खोला मां, मैंने मेयर साहब से बात करी। कितने दिन में रिहा हो जाएगा शौकत अली? तू चाहे तो कल। मैं क्या चाहूं तो कल? कल मैं पढ़ा हवेली शाम, ऊपर वाले कमरे में तो पैर रखेगी तो शौका जेल से बाहर आ जाएगा। एक बारी सुरैया बीबी से मिलना है मैंने, कलमों का वृत करने से पहले। कहे तो अभी ले चलूं ना कि नहीं, हवेली में नहीं, पीर हाजिर शाह के मजार पर। कब? आज। पर आपके साथ ना आए वो, मैं नहीं चाहती मैं उसका हक मारूं तो वो मुड़ के अपने हक की तरफ देखे। मंसूर,
कर लिया सौदा, हो गया व्यापार, बिक गई उस कमीने के रूपों के आगे। तेरी तरह अम्मा एक ख्वाब देखा है मैंने, वही कहानी वाला घोड़ा सोने की पाजेबी पहन के नाचता हुआ, और नाचते हुए उस घोड़े पर सोने की तारों वाला सेरा बांधा हुआ मेहर सुरखाब, पीछे 1000 एक बार आती छन 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 छन, सबके कानों में यही आवाज आ रही थी, और मेरे कानों में शौकत अली के पैरों में पड़ी हुई बेड़ियों की कड़कड़ सुनाई दे रही थी। मैंने अपने आप से पूछा कि यह छन छन की आवाज मुझे क्यों नहीं सुनाई देती, तो जवाब मिला शौकत अली के पैरों में पड़ी हुई बेड़ियां खोलते यह छन छन की आवाज तुझे भी सुनाई देगी। ये नथली संभाल लेना अम्मा, जेल से छुटकर आए तो उसके हाथ पे रखना और कहना गलत समझती थी मैं नसीब को 180 रुपए की नथली से नकेल नहीं पड़ती। अच्छा वधू आ गई, पर तू कहाँ जा रही है? पीर हाजिर शाह के मजार पर। तूने तो कहा था उस दिन जाऊंगी जिस दिन तेरी मन्नत पूरी होगी, तो मन्नत पूरी होगी या नशोदी? ओए ईमान से, ओए तुझे तो नाकी नजूमी होना चाहिए था सुरैया बेगम। आ गई है? मुझसे ज्यादा जल्दी है तुझे? नहीं, कम से कम ये रोज की सफाई से तो जान छुटेगी मेरी। ओए वो नाकी आने से पहले मिलना चाहती है तुझे। क्यों? ओए छोटी सी शर्त है उसकी। बुला लो। नाकी तुझे खुद जाना पड़ेगा, पीर आदर शाह के मजार पे इंतजार कर रही है तेरा। वहां क्यों? और जाके पूछ ले उससे वहां क्यों, जा बाहर गड्डी स्टार्ट खड़ी है, नाकी पेट्रोल पहले ही महंगा हो गया है, चल जा।
मेरे सिर पर अपनी जुती रख दे। एक दिन इसी मजार पर मेरी माँ ने मुझे आपके परछावे से बचाया था, आज आपकी माँ आपके साथ होती तो वो आपको मेरे परछावे से बचाती। आप जुती रखेंगे तो आपको यकीन आएगा कि मेहर साहब ने रखी को खरीदा नहीं है, रखी की मजबूरी ने उनके हाथों अपने आप को बेच दिया है और इस व्यापार में मुझे उस शौकत अली की जिंदगी मिलेगी जो अब मेरा नहीं। अल्लाह जानते हैं वो सिर्फ शौकत अली की जिंदगी है। शौकत अली की जिंदगी तो मुफ्त बच जानी है, नहीं तो उसके फांसी लगने के बाद मैंने कोई मेहर साहब के हाथों से बच जाना था। बस समझो अल्लाह ने इज्जत बचाई है जो मेरी अरस से बचनी नहीं थी। मुझे तुझसे कोई गिला नहीं है। गिला कर लो तो अच्छा है, बेबस से क्या गिला करना। बस एक दो दिन की बात है, फिर मैंने बेबस नहीं रहना। सोचो तो बेबस मैं आज भी नहीं हूं। वो जैसी कमी कमीर अगर शौकत अली को फांसी लगने से बचा सकती है तो फिर मैं बेबस तो ना हुई ना। बैठ गया, तुझे तो पता ही नहीं है जान बचाने वाला और जान लेने वाला ऊपर बैठे हैं। जान लेने का इख्तियार अगर बंदे के पास आ जाए तो वो समझे वो बड़ा बेबस है। व्यापार बेवकूफे इख्तियार नहीं होता। मुझे माफ कर दे, मेरी तरफ से खुली माफी है तुझे। तो एक बार बैठ के सोच, बच के आ गया तो किस मुंह से मिलेगी उसे। दादास, मेहर की बीवी कहां मिलती है कमी कमीनों से। सुनेगा तो थोड़ा तड़फेगा और फिर तड़फ के ठंडा पड़ जाएगा। खुदा तेरी मदद करे। ना सुरिया बीबी, कहो खुदा शौकत अली की मदद करे। मैंने हाजरा से किया है, बहुत तड़फे तो उसे बैठ के समझाए। गरीब को भूख ना मारे तो इससे जाने का डर मार देता, अगर ना समझे तो बेहतर है गांव छोड़ के चला जाए। वादा करती हूँ ऊपर वाले कमरे में जुत्ती पहन के नहीं फिरूं। आपने बड़ी इज्जत दी है मुझ कमीने को, भूल नहीं सकती।
आज बैठ के शर्तें तय करूंगी उसके साथ। तू बैठेगी मेरे साथ? गुनाह के कारोबार में मेरी बैठती है जुत्ती, और अल्लाह खैर करे, माल कौन होता है कि व्यापारी से शर्तें तय करे। निकाह करने लगी उसके साथ। खैरी सलाह, हिरन शिकारी से निकाह करेगी, सारे जंगल में थू थू होगी। एक बारी उसे जिंदा सलामत देखेगी ना तो आप कहेगी रखी ने सवाब कमाया। सीधी दोजक में जाएगी तू, शौकत अली की हां में जलेगी, जल के कोयला हो जाएगी। मंजूर है अम्मा? मंजूर है ना कह कह, कबूल है अम्मा, कबूल है, कब विर्द कर, तेरे काम आएगा। तेरे हज पे जाने की शर्त रखो, हवाई जहाज पे बैठकर। मैं अकेली रह गई हूं अम्मा, मेरी मदद कर। चल तू भी बैठकर मुझसे शर्तें तय कर ले। मुझसे क्या शर्तें हैं तेरी? पूरे हाँ होकर वापस आए तो स्टेशन से वापस मोड़ लेना, मेरा पूछे तो कहना नहीं मिलेगी। एक कलबूत में दो जाने नहीं रह सकती, समझे? एक मिली तो एक गई। शहर जाने का बड़ा शौक था उसे, कहना शहर जाए, शहर जाके शहर आबाद करे। मुझ पे बड़ा गुस्सा है तो हाजरा से ब्याह कर ले। तत्ती ने बड़े टोने किए उसके लिए, बड़ा कामिल पीर था उसका। ये शर्त है या उसके लिए तेरी आखिरी वसीयत? ये शर्त है अम्मा, और यही शर्त है कि वो मेरे मजार पे हाजिरी देने ना आए। कहाँ जा रही है? हाजरा के पास। एक शर्त उससे भी रखनी है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है। रखी आ गई। तेरी शक्ल से लगता है कोई नई बात सोच के आई है। Thank you.
अब बता। ये क्या है? नथली नक बटाने चली। तो नथली तेरा हक समझ के तुझे देने आ गई। अगर कोई तोहफा दे तो रख लेते हैं, इनकार नहीं करते। वो सोना रब जो नाराज हो जाता है। अगे तेरी मर्जी। सुने हैं, कोई तोहफा दे तो लेने से इनकार नहीं करते, रब नाराज होता है। ये खरीदी नहीं थी उसने, कमाई थी तेरे लिए। कल से उसकी कमाई पर मेरा हक जायज नहीं रहना। कल क्या है? कल मेरा निकाह है हाजिर। कल बताए तेरी मेरी सुलह है। हाँ, तूने कोई शर्त रखी ना? मैंने मैं गुनाहगार, तुझसे क्या शर्त रखती? पर मैंने शर्त रखनी। बोल। ये नथली नाक में पहन के शर्त है मेरी। मेरी सखावत पर ना जा, मेरी मजबूरी देखा आज रहा। अपनी चीज तुझे दे रही हूं, संभाल के रखना। कसम खा के वादा करती हूँ कि कभी नहीं कहूंगी वापस कर दे। बेवकूफे, तो अब भी हर बात को खबर समझती है। बता कौन सी तारीख रखी है? कल मगरब के बाद। सोलह टाइम है। मगरब की नमाज खत्म होते ही सूरज डूब जाता है। चल कुलसुम और कनीस को बुला, उनसे कहो कि मेहर साहब की ढोलकी रखी है मैंने। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
तेरा दिल नहीं करता अम्मा कि मुझे पास बिठा के जी भर के देख ले। ये क्यों अम्मा? सिर में सुआ डाल। डाल लिए तो फिर गांव के चौक में जाके बैठ। मेरा नहीं जी करता कि तुझे पास बैठाकर जी भर के देखूं। एक तेरी वजह से आज मैं मगरिब की अजान सुन के डर गई। बस एक अजान हो रहा मां, फिर तेरा सारा डर उतर जाएगा। फिर तूने आप कहना है शुक्र है मगरिब की नमाज पढ़ी गई, जनाजा नहीं पढ़िया गया। कौन? मैं कनीज फातिमा, हवेली से आई हूँ। मेहर साहब ने निकाह का जोड़ा और जेवर भिजवाए हैं। अंदर आके वाटी के हाथ पे रख दो।